वालेकुम इस वीडियो में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में टैग्स को डिस्कस करेंगे कि ये टैग्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे हम करते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में तो हम टैग्स को जानते हैं कि ये टैग्स क्या होते हैं तो आपने कभी सफ़र किया होगा तो जब आपने सफ़र किया होगा तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास कोई सामान भी हो तो अगर आपके पास सामान है काफ़ी हैवी सामान है तो आप तो वो ट्रैवल कंपनी क्या करती है उस सामान के साथ वो उस सामान को एक टैग लगा देती है और वो टैग जो है अब आप यूज़ करते हैं और ये टैग जो है हेल्प करता है आपकी जब आपने सामान वापस लेना होता है उस ट्रैवल कंपनी से फॉर एग्जांपल अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं और उस बस से अगर आप जब उतरते हैं डेस्टिनेशन पे जाके तो आप वो टैग दिखा के अपना बैग ले लेते हैं इसी तरह एयरपोर्ट्स पे आप टैग की मदद से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो यूँ कंपनी भी और आपके लिए भी आसानी हो जाती है तो इस तरह से टैग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है हमारा जो सामान है उससे आइडेंटिफाई करने में कि ये सामान जो है वो ये हमारा है और कंपनी के लिए भी आसानी है वो ट्रैवल कंपनी के लिए है कि उसे आइडिया हो जाता है कि ये टैग जो है जिसके पास वो टैग बिलोंग करेगा वो वो सामान को ले सकता है तो यूं टैग का बेसिक बुनियादी मकसद आइडेंटिफिकेशन है कि हम एक बैग को या लगेज को एक टैग लगा देते हैं और अब उस टैग की मदद से जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किससे बिलोंग करता है इसी तरह राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में नेटवर्किंग में जो हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं उसमें जो डिफरेंट राउट्स होते हैं हम उनको भी टैग कर सकते हैं तो यूँ हम डिस्कस करते हैं राउट टैग्स को तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में राउट मैप के बारे में आपको याद होगा कि अगर राउटर R1 R2 के दरमियान को राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है तो हम उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में फॉर एग्जांपल R1 पे अगर कोई राउटिंग इन्फॉमेशन प्रोटोकॉल यानी रिप चल रहा है किसी दूसरे राउटर के साथ और R1 और R2 के दरमियान कोई और राउट राउटिंग प्रोटोकॉल है कनेक्टेड स्टैटिक एस पी एफ बी जी पी ई आई जी आर पी या आई एस आई एस तो इन राउट्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हमने क्या देखा कि हम स्पेसिफिक आई पी एड्रेस या प्रिफिक्सिस को उनकी एक्सेस लिस्ट बना सकते हैं या उनकी आई पी प्रिफिक्स लिस्ट बना सकते हैं और उसे हम राउट मैप में मैच करवा सकते हैं अब इस राउट मैप को जब हम आउटबाउंड डायरेक्शन में जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान यूज करेंगे तो वही स्पेसिफिक राउट जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ये राउट मैप काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए अब इस राउट मैप में हमारे पास दो क्राइटेरिया थे एक है मैच का क्राइटेरिया और दूसरा क्राइटेरिया है सेट का तो अब हम यहां पे सेट कर सकते हैं टैग को तो यूँ राउट मैप में हमने ये जो एक्सेस लिस्ट कॉल करवाई इसमें ये जो राउट्स जिन्हें हमने परमिट करवाया है इन राउट्स को एक टैग की वैल्यू असाइन हो जाएगी और ये टैग की वैल्यू भी जब राउटिंग इंफॉर्मेशन कैरी होती है दो लिंक्स के दरमियान तो ये राउट टैग की जो इन्फॉर्मेशन है ये भी कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल में कैरी होती है फॉर एग्जाम्पल राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल या रिप में यह टैग की वैल्यू कैरी होती है और ये रिप वर्जन टू में मुतारफ़ कराई गई थी टैग का कॉन्सेप्ट रिप वर्जन वन में नहीं था ये रिप वर्जन टू में जो है इसको मुतारफ करवाया गया जिस तरह मैट्रिक की वैल्यू कैरी होती है राउट्स के साथ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में इसी तरह टैग की वैल्यू भी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन टू में कैरी होती है राउट्स के साथ तो रिप टैग की ये जो हम लैब करेंगे इस लैब में हमारे पास राउटर R1, R2 के दरमियान राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है आर वन के साथ हमने ये कुछ राउटर्स कनेक्ट किए हुए हैं और इन राउटर्स के साथ हमारे पास डिफरेंट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल राउटर आर वन और आर इलेवन के दरमियान ओ एस पी एफ चल रहा है राउटर आर वन आर ट्वेल्व के दरमियान ई आई जी आर पी चल रहा है राउटर आर वन आर थर्टीन के दरमियान आई बी जी पी राउटर आर वन आर फोर्टीन के दरमियान ई बी जी पी राउटर आर वन और आर फिफ्टीन के दरमियान आई एस आई एस चल रहा है इसी तरह राउटर आर टू और आर ट्वेंटी वन के साथ ओ चल रहा है राउटर आर R2 टू और आर ट्वेंटी टू के साथ ई आई जी आर पी राउटर आर टू आर ट्वेंटी थ्री के साथ आई बी जी पी राउटर आर टू और आर ट्वेंटी फोर के साथ ई बी जी पी और राउटर आर R2 टू और आर ट्वेंटी फाइव के साथ आई एस आई एस चल रहा है तो अब हम यहाँ पे ये टैग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम ओ की एग्जाम्पल लेते हैं तो आर इलेवन जो ओ के राउट्स को राउटर आर वन को शेयर करेगा तो राउटर आर वन के पास वो राउट्स जो हैं वो ओ एस पी एफ राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न हो रहे हैं तो अब हम जब इस ओ एस पी एफ को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में तो हम उसकी टैग की वैल्यू को फाइव सेट कर देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आर टू के पास जाएगी इनमें टैग की वैल्यू फाइव होगी राउटर आर टू हम इस टैग को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो राउट्स जिनकी टैग की वैल्यू फाइव है राउटर आर टू वो राउट्स जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल से रिसीव हो रहे हैं और उनकी जो टैग की वैल्यू फाइव है राउटर आर टू हम उनको रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस ओ एस पी एफ में जो बेसिकली आर ट्वेंटी वन के साथ चल रहा है तो इस तरह ओ के राउट्स को हमने राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में डिस्ट्रीब्यूट किया रीडिस्ट्रीब्यूट किया और उनकी टैग की वैल्यू फाइव सेट की और उसको दोबारा से हमने राउटर आर टू पे रीडिस्ट्रीब्यूट किया ओ एस पी एफ में और हमने इसमें टैग के कॉन्सेप्ट के साथ स्पेसिफिक राउट्स को ओ एस पी एफ से हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसी तरह आर ट्वेंटी वन से ओस पी एफ आर ट्वेंटी वन जो ये राउटर है इस पे जो राउट्स हैं वो हमें ओ एसपीएफ के थ्रू आर टू पे लर्न होंगे हम R2 पे पर उसकी टैग की वैल्यू 5 सेट कर देंगे जब हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे R1 पे हम उस 5 वाले राउट्स को जो है 5 वाले टैग के राउट्स जो हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे OSPF में तो यू हम इन OSPF एसपीएफ राउटर्स के दरमियान बेसिकली ये रिप चल रहा है जिसमें हम टैग के कॉन्सेप्ट से दोनों राउटर्स पे OSPF है राउट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो यूं राउटर आर ट्वेंटी वन जो है वो राउटर आर इलेवन के साथ रीचेबिलिटी बनाएगा क्योंकि हम टैग की वैल्यूज के साथ जो है वो राउट्स जो है वो सिर्फ इन्हीं को शेयर कर रहे हैं किसी और के साथ शेयर नहीं होंगे इसी तरह ई आई जी आर पी की बात करें तो ई आई जी आर पी के थ्रू जो राउटर सीव होंगे जब उन्हें हम रिप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी वैल्यू उनके टैग की वैल्यू हम टेन सेट कर देंगे राउटर आर टू पर हम टेन के टैग वैल्यू के राउट्स को आइडेंटिफाई करके ये ई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो राउट्स जो आर से हमें रिसीव हो रहे थे ई से उनको हमने रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट किया आर पे हमने उनको दोबारा ई में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये ई वाले राउट्स जो हैं वो ई वाले राउट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ ही एक्सचेंज होंगे इसी तरह हम आई के साथ करेंगे आई से जब राउट्स जो आर के पास लर्न हो रहे हैं जब हम उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिप में हम उनकी वैल्यू 15 सेट कर देंगे और वो 15 वाले टैग वाले जो राउट्स हैं उन्हीं को हम दोबारा R2 से रिडिट्रीब्यूट करेंगे IBGP में जो R23 के पास चले जाएंगे इसी तरह EBGP के लिए R14 से जो EBGP के थ्रू रोड रिसीव होंगे उनको जब हम रिडिट्रीब्यूट करेंगे रिप में तो उनकी टैग वैल्यू हम 20 सेट करेंगे R2 पे वो 20 को हम आइडेंटिफाई करके उनको EBGP में ही सेंड करेंगे तो वो R24 के पास चले जाएंगे इसी तरह आई एस आई एस

OSPF वाले EIGRP या डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल राउट एक दूसरे को नहीं भेजे जाएंगे क्योंकि हमने राउट मैप और ये टैग के कॉन्सेप्ट्स के साथ इस लैब को इंप्लीमेंट करेंगे तो इस लैब में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में राउट टैग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि किस तरह से हम राउट्स जो हैं उनको टैग कर सकते हैं R1, R2 के राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रहा है और हमने जो नेटवर्क यूज किया है दरमियान ओ एस पी एफ रन हो रहा है आर ट्वेल्व और आर वन के दरमियान ई आई जी आर पी आर थर्टीन के साथ आई वी जी पी आर फोर्टीन के साथ ई वी जी पी आर फिफ्टीन के साथ आई एस आई एस इसी तरह राउटर आर टू और आर ट्वेंटी वन के साथ ओ एस पी एफ आर ट्वेंटी टू के साथ ई आई जी आर पी आर ट्वेंटी थ्री के साथ आई बी जी पी आर ट्वेंटी फोर के साथ ई बी जी पी और आर ट्वेंटी फाइव के साथ आई एस आई एस रन हो रहा है इन राउटर्स के साथ हमने ये सिस्टम्स कनेक्ट किए हैं जिन्हें हमने मुतलका जो उनका नेटवर्क है उसमें से आई पी एड्रेस असाइन किया हुआ है ताकि हम पिंग करके देख सकें और इस टपोलॉजी में हम क्या करेंगे कि ओ एस पी एफ राउट्स जो राउटर आर वन के पास रिसीव होंगे उन्हें हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और उसकी एक टैग की वैल्यू साइन करेंगे इसी तरह ई आई जी आर पी आई बी जी पी ई बी जी पी और आई एस एस इन तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू जो राउट्स रिसीव हो रहे हैं उनको जब हम रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको हम एक मुतलका टैग साइन करेंगे राउटर आर टू पर देन हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर फाइव का टैग है तो हम उसे ओ एस पी एफ में रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे टेन का टैग है तो उन राउट्स को हम ई आई जी आर पी में 15 और 20 के राउट्स हैं तो बीजीपी में और 25 फाइव का राउट्स है टैग है तो वो हम आई में उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस तरह से एट द एंड ओ वाले राउट्स जो आर एलेवन पे जो राउट्स हैं वो आर ट्वेल्व में और आर सॉरी आर इक्कीस में और आर इक्कीस वाले आर एलेवन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे आर ट्वेल्व वाले आर बाईस में और आर बाईस वाले आर ट्वेल्व पे इसी तरह आर थर्टीन वाले आर तेईस पे और पे, आर तेईस वाले आर थर्टीन पे आर फोर्टीन वाले आर ट्वेंटी फोर पे आर ट्वेंटी फोर वाले आर फोर्टीन पे और आर फिफ्टीन वाले आर ट्वेंटी फाइव पे और आर ट्वेंटी फाइव वाले आर फिफ्टीन पे तो ये पी सी सिर्फ पी सी इक्कीस को ही पिंग कर पाएगा इसी तरह पी सी ट्वेल्व पी सी बाईस को पिंग कर पाएगा पी सी थर्टीन पी सी ट्वेंटी थ्री को ही पिंग कर पाएगा बाकियों को पिंग नहीं कर पाएगा तो इस तरह पी सी फोर्टीन पी सी ट्वेंटी फोर को ही पिंग कर पाएगा पी सी फिफ्टीन पी सी ट्वेंटी फाइव को ही पिंग कर पाएगा तो ये आपस में जस्ट रीचेबिलिटी हम बनाएंगे इनकी Ospf के केस को देखते हैं कि किस तरह से हम ओएसपीएफ के राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ओ एस पी एफ केस में टैग की वैल्यू को फाइव यूज करेंगे तो राउटर आर इलेवन पे और आर वन के दरमियान ओ एस पी एफ रन हो रहा है राउटर आर इलेवन पे हमने ये जो नेटवर्क यूज किया है टेन डॉट इलेवन डॉट इलेवन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर इस राउट को हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है ओ एसपीएफ में ये राउट यानी कि ओ एसपीएफ के, के थ्रू हमारे पास राउटर आर वन पे लर्न हो रहा होगा तो राउटर आर वन पे अगर हम OSPF के राउट को वेरीफाई करें शो आईपी राउट ओ तो OSPF के थ्रू हमें ये 10.11.11.0 ये राउट हमें रिसीव हो रहा है जो बेसिकली 192.168.11.11 राउटर से रिसीव हो रहा है जो कि राउटर आर इलेवन है तो ये OSPF OSPF के थ्रू ये राउट रिसीव हो रहा है अब इस OSPF वाले राउट को हमने रिडिस्ट्रीब्यूट करना है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ताकि आर वन इसको आर टू को सेंड करे। तो हम कन्फिग्रेशन को देखते हैं अगर हम शो रनिंग कन्फिग्रेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप करें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमने रीडिस्ट्रीब्यूट ओसपीएफ किया है ओसपीएफ अटोनोमस सिस्टम नंबर हमने 100 यूज किया मैट्रिक की वैल्यू को हमने 2 यूज किया और यहां पे हमने राउट मैप यूज किया है अब ये राउट मैप है आर एम फ्रोम ओ एस पी एफ टू आर आई पी रिप तो ये राउट मैप का नेम है हमने ये राउट मैप यूज किया जब हमने ओ एस पी एफ के राउट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट किया राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में अब हम इस राउट मैप को देखते हैं शो रनिंग कन्फिग्रेशन पाइपलाइन सेक्शन मैप राउट मैप का नाम हमने जो यूज किया वो है आर एम यानी कि राउट मैप फ्रॉम ओ एस पी एफ टू रिप और हम परमिट कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो राउट मैप है इसकी हम कन्फिग्रेशन देखने जा रहे हैं तो इस कन्फिगरेशन में हमने मैच आईपी एड्रेस 11 किया और सेट टैग 5 कर दिया जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमने ओ के थ्रू जो राउट रिसीव हो रहे हैं उसको टैग जो है हम 5 सेट करेंगे तो हमने ये सेट टैग 5 कर दिया लेकिन यहां पर हमने मैच आई पी एड्रेस इलेवन किया अब ये इलेवन एक्सेस लिस्ट है तो शोर रनिंग कन्फिग्रेशन पाइपलाइन सेक्शन एक्सेस लिस्ट इलेवन तो हम इलेवन एक्सेस लिस्ट को देखने जा रहे हैं कि ये कौन सी है तो इलेवन एक्सेस लिस्ट में हमने परमिट किया है वो राउट जो हमें ओ के थ्रू लर्न हो रहा था तो ओ के थ्रू हमें ये राउट टेन डॉट इलेवन डॉट इलेवन डॉट जीरो स्लेश ट्वेंटी फोर लर्न हो रहा था उसकी हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाई उस एक्सेस लिस्ट को हमने राउट मैप में मैच करवाया और सेट टैग फाइव कर दिया और इस राउट मैप को हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में यूज किया रीडिस्ट्रीब्यूट ओ एसपीएफ हंड्रेड मैट्रिक टू मैप और ये राउट मैप हमने लगाया फ्रॉम टेन डॉट इलेवन डॉट इलेवन डॉट जीरो का ये मेट्रिक टैग वैल्यू फाइव के साथ मैट्रिक हमने टू सेट किया है मैट्रिक हमने टू सेट किया टैग वैल्यू फाइव के साथ ये जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होगा राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में अब हम राउटर R2 पे अगर उस राउट को देखें तो राउटर R2 पे हम इस राउट को देखते हैं शो आई पी राउट टेन डॉट इलेवन डॉट इलेवन डॉट जीरो इस राउट को हम देख रहे हैं कि इसमें राउट टैग फाइव सेट हो चुका है क्योंकि हमने R1 पे जब इसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने इसका टैग फाइव सेट कर दिया मैट्रिक की वैल्यू हमने टू रखी थी तो ये टू के साथ हमें रिसीव हो रहा है और ये नॉन वाया रिप है तो इस तरह राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में यह टैग की वैल्यू कैरी हुई और इस टैग की वैल्यू जो है वो फाइव सेट है अगर हम राउटर आर वन और आर टू के दरमियान इस लिंक पे पैकेट कैप्चर करें तो हम उसमें भी इस टैग की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं तो हम यहां पे फिल्टर लगाते हैं आई सोर्स और हम वन सेवेंटी टू डॉट वन सिक्स डॉट जीरो डॉट वन हम जो राउटर आर वन भेज रहा है मैसेजेस हम वो पे कैप्चर करना चाह रहे हैं तो ये राउटर आर वन वन सेवनटी टू वन सिक्स जीरो डॉट वन ये राउटर आर वन रिप के रिस्पॉन्स मैसेजेस भेज रहा है इस पर अगर हम क्लिक करें तो अब हमने इसमें टेन डॉट इलेवन डॉट इलेवन वाले राउट को देखना है जो कि ये है टेन डॉट इलेवन डॉट इलेवन डॉट जीरो हमने मैट्रिक वैल्यू टू सेट की थी अब इस राउट को अगर हम देखें तो इस राउट में ये टैग की वैल्यू फाइव सेट है तो यूं हमने यह भी वेरीफाई किया कि यह राउट टैग की जो वैल्यू है यह राउटिंग इंफॉर्मेशन के साथ कैरी होती है और यह रिप वर्जन टू में कैरी होती है क्योंकि इसे रिप वर्जन टू में मुताारफ कराया गया था तो यह राउट जो ओसपीएफ के थ्रू राउटर आर वन पे रिसीव हुआ इसे हमने रिडिस्ट्रीब्यूट किया रिप में और टैग की वैल्यू फाइव सेट की अब हम राउटर आर टू पे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो फाइव के टैग वाले राउट्स हैं जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल से रिसीव हो रहे हैं उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करो ओ में जो बेसिकली आर ट्वेंटी वन के साथ चल रहा है तो आर टू पे हम इसकी कन्फिगुरेशन देखते हैं तो आर टू पे हम कन्फिग्रेशन देखते हैं शो रनिंग कन्फिग्रेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर ओ अब हम यहां पे ओ की कंफिगुरेशन देखेंगे क्योंकि हमने उस राउट को जो टैग वैल्यू फाइव के साथ हमें रिसीव हुआ है उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ओसपीएफ में तो हम ओएस की कन्फिग्रेशन देखते हैं यहां पे तो इस ओएसपीएफ की कंफिग्रेशन में हम देख सकते हैं कि हमने रीडिस्ट्रीब्यूट रिप किया इसमें मेट्रिक की वैल्यू टू सेट की और हमने यहां पे राउट मैप यूज किया आर एम फ्रॉम रिप टू ओसपीएफ हमने एक मैप बनाया कि जो रिप से जो राउट्स हैं उनको लेगा और ओसपीएफ में भेजेगा ये बेसिकली हमने उसका नाम सेट किया अब हम इस जो हमने राउट मैप बनाया है इसे हम रीड करते हैं शो रनिंग कन्फिग्रेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप और राउट मैप का नाम हमने रखा रिप फ्रॉम आर एम फ्रॉम रिप टू ओसपीएफ और हम परमिट भी यूज करते हैं तो ये हम इस राउट मैप की कन्फिग्रेशन देखते हैं हमने क्या की है तो इस राउट मैप की कंफिग्रेशन में हमने मैच टैग फाइव किया है जस्ट तो क्या होगा कि राउटर आर टू पे जो राउट्स रिसीव होंगे उनमें जिन टैग जिन राउट्स की टैग की वैल्यू फाइव होगी हम उसे उठाएंगे और हम उसे ओसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि ओसपीएफ में हमने ये रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड यूज की जिसमें हमने ये राउट मैप यूज किया और उस राउट मैप में हमने मैच करवाया मैच टैग फाइव तो ये टैग फाइव के राउट्स मैच होंगे जो कि हमारे पास यहां पे हमने वेरीफाई किया वो है टेन डॉट इलेवन डॉट इलेवन डॉट जीरो शो आई राउट अगर हम उसे देखें टेन डॉट इलेवन डॉट इलेवन डॉट जीरो राउट टैग की वैल्यू फाइव थी तो ये राउट जो है ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओसपीएफ में तो वो राउट आर पे अब रीडिस्ट्रीब्यूट होके ओसपीएफ के, के थ्रू आर इस राउटर के पास लर्न हो रहा होगा तो राउटर आर पे हम उस राउट को देखते हैं शो आईपी राउट टेन डॉट इलेवन डॉट इलेवन डॉट जीरो राउट हम देखें ये हमारे पास नॉन वाया OSPF. तो ये OSPF के थ्रू लर्न हो रहा है मेट्रिक की वैल्यू टू है और इसमें उसके राउट राउट की टैग टैग जो है उसकी वैल्यू फाइव है तो वो वैल्यू जो है वो ओ एसपीएफ में भी कैरी हो रही है टैग की वैल्यू राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल से ओसपीएफ में कैरी हो रही है तो यूं हमने इस राउट टेन डॉट इलेवन डॉट इलेवन डॉट जीरो को हमने जो है वो राउटर आर वन पे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट किया टैग वैल्यू फाइव के साथ और आर टू पर हमने उस टैग वैल्यू को मैच करवा के उस राउट को ओस पी एफ में सेंड कर दिया आर ट्वेंटी वन के पास इसी तरह अब हम रिवर्स डायरेक्शन में टेन डॉट ट्वेंटी डॉट ट्वेंटी वन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर इस राउट को जो ओसपीएफ के थ्रू राउटर आर टू पे लर्न हो रहा है इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिप में टैग की वैल्यू फाइव असाइन करेंगे और राउटर आर वन पे हम इसे मैच करवा के

अब इस राउट को बेसिकली हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम शो रनिंग कन्फिग्रेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप करते हैं हम रिप की कंफिगुरेशन देख रहे हैं क्योंकि ये राउट हमने रिडिस्ट्रीब्यूट करना है रिप में तो हमें रिप की कन्फिगुरेशन देखनी है तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की यानी रिप की कंफिगुरेशन में हमने रिडिस्ट्रीब्यूट ओसपीएफ किया मेट्रिक की वैल्यू टू सेट की और हमने राउट मैप यूज किया आर एम फ्रोम ओसपीएफ टू रिप हमने इसका नाम बनाया फ्रॉम ओसपीएफ टू रिप ताकि हमें पता हो कि हम ये ओसपीएफ से राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इस राउट मैप को अगर हम देखें शो एनी कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटमैप आर एम फ्रॉम ओसपीएफ टू रिप तो इस राउट मैप में बेसिकली हमने सेट टैग फाइव किया तो वो राउट जो हमें आर ट्वेंटी वन से आर टू पे रिसीव हुआ आर टू से जब हमने उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में तो हमने उसके टैग की वैल्यू फाइव सेट कर दी अब राउटर R2 और R1 के दरमियान ये जो लिंक है हम इस पे वेरीफाई करते हैं कि वो राउट 10.21.21.0/24 की टैग की वैल्यू 5 है तो हम पैकेट कैप्चर कर रहे हैं और यहां पे हम सोर्स लगाते हैं आई पी डॉट सोर्स और आर टू का आई पी है वन सेवेंटी टू डॉट वन सिक्स डॉट जीरो डॉट टू हम फिल्टर कर लेते हैं सोर्स एड्रेस वन टू वन सिक्स डॉट जीरो डॉट टू जो कि बेसिकली आर टू है तो ये आर टू रिस्पॉन्स मैसेजेस शेयर कर रहा है आर वन को इसको अगर हम क्लिक करें तो हमने इसके राउटिंग इन्फॉर्मेशन में प्रोटोकॉल में हमने मैसेज देखना है राउट uh, देखना है टेन डॉट ट्वेंटी वन डॉट ट्वेंटी वन डॉट जीरो तो इस राउट को अगर हम देखें तो इसे मेट

राउट टैग जो है वो फाइव है इट मीनस कि हमने राउट टैग की वैल्यू जो है वो फाइव जो है यहां पे हमें रिसीव हो रही है और इसे हमने सेट किया था राउटर आर टू पे अब राउटर आर वन पे ये जो राउट रिसीव हुआ है टेन डॉट ट्वेंटी वन डॉट ट्वेंटी वन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर जिसकी टैग वैल्यू फाइव है तो राउटर आर वन पे हम इसे मैच करवाएंगे और रिडिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे ओ एसपीएफ में जो राउटर आर इलेवन के पास पहुंच जाएगा तो राउटर आर वन पे हम शो रनिंग कन्फिगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर ओएसपीएफ की हम कॉन्फ़िगरेशन देखने लगे हैं क्योंकि हमने रिडिस्ट्रीब्यूट उसे करना है ओएसपीएफ में तो यहां पे हमने रिडिस्ट्रीब्यूट रिप किया यानी कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट किया और अगर हम देखें तो हमने राउट मैप यूज किया और उसका नाम हमने रखा आर एम फ्रॉम रिप टू ओएसपीएफ हमने एक राउट मैप बनाया फ्रॉम रिप टू ओएसपीएफ अब अगर हम इस राउट मैप की कॉन्फ़िगरेशन देखें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप राउट मैप है हमारे पास फ्रॉम आर एम फ्रॉम रिप टू ऑसपीएफ और अगर हम इसकी परमिट की वैल्यूज को चेक करें तो यहां पे हमने मैच आईपी ड्रेस ट्वेंटी वन किया और देन हमने मैच टैग फाइव किया हमने आईपी आईपीड्रेस भी मैच करवाया आईपीड्रेस ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन बेसिकली हमारे पास एक्सेस लिस्ट है शो

टैग भी मैच करवाया कि टैग की वैल्यू फाइव भी मैच हो तो ये दोनों चीजें मैच होना जरूरी हैं तो अब आईपी ये राउट जो है वो मैच होगा और उसकी टैग की वैल्यू अगर फाइव है जो कि मैच होगी तो उसे हमने ओ में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह अब ये ओ में रिडिस्ट्रीब्यूट होकर ये आर के पास रिसीव हो रहा है आर की अगर हम कंफिग्रेशन देखें शो आई पी राउट टेन डॉट ट्वेंटी वन डॉट ट्वेंटी वन डॉट जीरो तो ये राउट हमें ओ के थ्रू लर्न हो रहा है क्योंकि राउटर R1 और R11 के दरमियान ओ चल रहा है और हम देखें तो ये हमारे पास जो राउट है वो बेसिकली R21 से से R2 R2 ने R1 R1 को और R1 से अब R11 पे चल रहा है और हम एक और चीज वेरीफाई कर सकते हैं कि रिप से जब ओ में ये राउट रिडिट्रीब्यूट हुआ है तो जो टैग की वैल्यू है वो कैरी हुई है तो राउट टैग वैल्यू फाइव जो है वो कैरी हुई है तो यूं अब पीसी इलेवन से हम पीसी ट्वेंटी को कर सकते हैं तो ये हमने पीसी इलेवन ओपन किया यहां से अब हम पीसी ट्वेंटी वन जिसका आईपी है टेन डॉट ट्वेंटी वन डॉट ट्वेंटी वन डॉट वन हंड्रेड तो ये हम हमारे पास जो पिंग है वो सक्सेसफुल है इसी तरह आर पीसी 21 ट्वेंटी वन से हम पीसी इलेवन को भी पिंग कर सकते हैं तो पीसी ट्वेंटी वन से हम पिंग करते हैं पीसी इलेवन को जिसका आईपी है टेन डॉट इलेवन डॉट इलेवन डॉट वन हंड्रेड तो ये हमारे पास पिंग जो है वो सक्सेसफुल है राउटर आर R1 वन और आर ट्वेल्व के दरमियान ई चल रहा है राउट टेन डॉट ट्वेल्व डॉट ट्वेल्व डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर ई आई जी आरपी के थ्रू राउटर आर वन पे लर्न हो रहा है राउटर आर वन पे अगर हम देखें शो आई पी राउट ई आई जी आरपी तो ई आई जी आरपी के थ्रू टेन डॉट ट्वेल्व डॉट ट्वेल्व डॉट जीरो राउट हमें लर्न हो रहा है अब इस राउट को हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और उसकी टैग की वैल्यू टेन सेट करेंगे तो राउटर आर वन पे हम शो रनिंग कन्फिगुरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहां हम देख सकते हैं कि हमने रीडिस्ट्रीब्यूट ई आई जी आर पी किया है और इसका हमने राउट मैप यूज किया है आर एम फ्रॉम ई आई जी आर पी टू रिप तो इस राउट मैप को हम देखते हैं शो रनिंग कन्फिग्रेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटमैप आर एम फ्रॉम ई आई जी आर पी टू रिप और हम परमिट की वैल्यूज चेक करते हैं तो यहां हमने मैच आईपी एड्रेस 12 किया और हमने सेट टैग 10 किया तो हमने 12 एक्सेस लिस्ट को मैच करवा के उस उन उन राउट्स का जो एक्सेस लिस्ट 12 में परमिट होंगे उनका उनकी हम टैग की वैल्यू 10 सेट कर देंगे तो अब हम एक्सेस लिस्ट देखते हैं श्योर रनिंग कन्फिगरेशन पाइपलाइन सेक्शन एक्सेस लिस्ट ट्वेल्व हमने यूज की है तो हमने एक्सेस लिस्ट ट्वेल्व बनाई और हमने उसमें वो राउट जो हमें ई के थ्रू रिसीव होना है हमने उसे परमिट करवाया टेन डॉट ट्वेल्व डॉट ट्वेल्व डॉट जीरो हमने उसे राउट मैप में मैच करवाया और टैग की वैल्यू को टेन सेट कर दिया और इस राउट मैप को हमने राउटर रिप की कंफिग्रेशन में रीडिस्ट्रीब्यूट ई में यूज किया तो इस तरह अब ये राउट जो है टेन डॉट ट्वेल्व डॉट ट्वेल्व डॉट जीरो जो EIGRP के थ्रू लर्न हो रहा था वो अब रिडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है रिप में और रिप में अगर हम R1 और R2 के दरियान अगर हम पैकेट कैप्चर करें तो हम उसमें देख सकते हैं कि .12 .12 के की जो टैग वैल्यू है वो टेन सेट है तो हमारे पास ये पैकेट जो है वो रिसीव हो रहे हैं और यहां पर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं आईपी डॉट सोर्स और हम R1 और R2 के दरमियान तो R1 ने ये मैसेजेस सेंड करने हैं तो हम 172.16.0.1 हम फिल्टर अप्लाई करते हैं जो सोर्स है 172.16.0.1 जो कि बेसिकली आर है और ये रिप के रिस्पॉन्स मैसेजेस हैं और अगर हम इस रिस्पॉन्स मैसेज पे क्लिक करें तो इसमें राउटिंग इंफॉर्मेशन है और हमने कौन सी इंफॉर्मेशन देखनी है 10.12.12.0 तो इस राउट को अगर हम देखें तो इस राउट में हमारे पास जो राउट टैग है उसकी वैल्यू टेन है तो यूं ये राउट टेन डॉट ट्वेल्व डॉट ट्वेल्व डॉट जीरो राउटर R1 पे रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ रिप में और इसकी टैग की वैल्यू टेन सेट हमने की और ये राउटर R2 पे रिसीव हो रहा होगा तो राउटर R2 में अगर हम शो आई पी राउट टेन को देखें तो इसमें हमारे पास जो राउट टैग है उसकी वैल्यू टेन है और ये हमें रिप के थ्रू रिसीव हो रहा है अब R2 पे राउट जो हमें रिसीव हुआ है टेन डॉट ट्वेल्व डॉट ट्वेल्व डॉट जीरो जिसकी टैग वैल्यू टेन है हम इसे मैच करवाएंगे और मैच करवाने के बाद हम इसे ई आई जी आर पी में आर ट्वेंटी टू को रिडिट्रीब्यूट कर देंगे तो आर टू पे हम कन्फिग्रेशन देखते हैं शो रनिंग कन्फिग्रेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर ई आई जी आर पी हम ई आई जी आर पी की कंफिगुरेशन देख रहे हैं क्योंकि उस राउट को हमने रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना है ई आई जी आर पी में तो हमारे पास ई आई जी आर पी में हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिप को और हम राउट मैप यूज कर रहे हैं आर एम फ्रॉम रिप टू ई जी आर पी अब अगर हम इस राउट मैप की कंफिग्रेशन देखें रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप राउट मैप है हमारे पास आर एम फ्रॉम रिप टू ईआईजीआरपी और हम इसकी परमिट की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहां पे हमने मैच टैग टेन किया है तो हमने जस्ट आर टू पे टेन टैग के राउट को मैच करवाया और हमने उसे रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया ईर पी में तो अब वो राउट जो जिसकी टैग की वैल्यू टेन थी आर ट्वेंटी टू पे अगर हम शो आई पी राउट टेन डॉट ट्वेल्व डॉट ट्वेल्व डॉट जीरो करें तो हम देख सकते हैं कि ये हमें ई आई जी आर पी के थ्रू लर्न हो रहा है और इसमें हमारे पास जो राउट टैग है उसकी वैल्यू है, टेन जो है वह है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल से अगर हम रिडिस्ट्रीब्यूट ई आई जी आर पी में करते हैं तो वो टैग की वैल्यू ई आई जी आर पी में कैरी होगी इसी वजह से ये राउट जो है हमें ई आई जी आर पी से लर्न हो रहा है और टैग की वैल्यू टेन सेट है और ये टेन सेट हमने रिप में की थी राउटर आर वन पर हमने इसको टेन सेट किया था जब हमने रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट किया था और आर टू पर जब हमने इसको रिप से दोबारा ई आई जी आर पी में रिडिस्ट्रीब्यूट किया तो वो टेन वैल्यू एज इट कैरी हो रही है तो यूं टेन डॉट ट्वेल्व डॉट ट्वेल्व डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर ये राउट ई आई जी आर पी के थ्रू राउटर आर वन पे लर्न हुआ राउटर आर वन पे हमने इसकी टैग वैल्यू टेन सेट की और रिप में किया जो R2 के पास गया आर टू पे हमने इस टेन वैल्यू के राउट्स को मैच करवाया और हमने रिडिस्ट्रीब्यूट कराया दिया ई आई जी आर पी में जो आर ट्वेंटी टू पे रिसीव हो रहा है अब हमने ये जो राउट आर ट्वेंटी टू पे है टेन डॉट ट्वेंटी टू डॉट ट्वेंटी टू डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर ये ई आई जी आर पी के थ्रू आर टू पे रिसीव हो रहा है हमने इसको अब रीडिस्ट्रीब्यूट कराना है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और इसकी टैग की वैल्यू को हमने टेन सेट करना है तो राउटर R2 पे अगर हम शो आई पी राउटी करें तो EIGRP के थ्रू हमें ये हो रहा आई जी आर पी के थ्रू एड्रेस अब हमने इस राउट को राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रिडिट्रीब्यूट करना है तो हमें शो रनिंग कन्फिग्रेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप की कंफिगुरेशन देखनी है क्योंकि हमने इस राउट को रिप में रिडिट्रीब्यूट करना है तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हमने रिडिस्ट्रीब्यूट ईआईजीआरपी किया मेट्रिक की वैल्यू टू सेट की और हमने राउट मैप यहां पे यूज किया आर एम फ्रॉम ईआईजीआरपी टू रिप अब अगर हम इस राउट मैप की कंफिगुरेशन देखें शोरिंग कन्फिगुरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप जिसका नाम है आर एम फ्रॉम ईआईजीआरपी टू रिप और हम इसकी परमिट की एंट्रीज को देखते हैं तो यहां पे हमने सेट टैग टेन किया तो यू हमने रिप में जब रिडिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने टैग की वैल्यू को टेन सेट कर दिया अब आर टू इस राउट की जो टैग वैल्यू है वो टेन सेट करके राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो राउटर आर टू और आर वन के दरमियान ये जो लिंक है इस पर हम इस राउट की टैग की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं तो हमारे पास पैकेट कैप्चर हो रहे हैं और यहां पे अब हम सोर्स अप्लाई करते हैं हम 172.16.0.2 जो कि R2 है R2 जो रेस्पॉन्स मैसेजेस भेज रहा है हम उनसे देखना चाह रहे हैं रिप के रेस्पॉन्स मैसेजेस और अगर हम इस मैसेज पे क्लिक करें तो इसमें जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें हमने इस राउट को देखना है 10.22.22.0 इस राउट को अगर हम देखें तो इसमें राउट टैग की वैल्यू टेन सेट है तो यूं ये राउट 10.22.22.0/24 राउटर R2 पे EIGRP के थ्रू लर्न हो रहा था जिसे हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और टैग की वैल्यू को 10 सेट किया अब राउटर R1 पे हम इसे वेरीफाई तो राउटर R1 पे अगर हम शो आई पी राउट टेन डॉट ट्वेंटी टू डॉट ट्वेंटी टू डॉट जीरो करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो रहा है और इसमें राउट टैग की वैल्यू जो है वो टेन सेट है अब हमने राउटर R1 पे इस टेन वाले टैग को मैच करवाना है और उसे EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देना है तो हम यहां पे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर EIGRP। EIGRP की देखना चाह रहे हैं क्योंकि हम इस राउट को EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पर हमने रीडिस्ट्रीब्यूट रिप किया और इसके साथ हमने ये राउट मैप यूज किया आर एम फ्रॉम रिप टू ईजीआरपी तो इस राउट मैप की हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप आर एम फ्रॉम रिप टू और इसकी हम परमिट की वैल्यूज को अगर हम देखें तो इसमें हमने आईपी एड्रेस ट्वेंटी टू इसे हमने एक्सेस लिस्ट ट्वेंटी टू को मैच करवाया और साथ के साथ हमने टैग टेन भी मैच किया अब हम यहां लिस्ट देखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन एक्सेस लिस्ट ट्वेंटी टू तो 22 एक्सेस लिस्ट में बेसिकली हमने इस राउट को मैच करवाना है जो कि है टेन तो इस आईपी को या इस राउट को हमने मैच करवाया परमिट करवाया एक्सेस लिस्ट 22 में उस 22 एक्सेस लिस्ट को हमने राउट मैप में मैच करवाया और साथ के साथ हमने टैग मैच किया 10 जिसे हमने देन इस राउट मैप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया ई आई में तो ई आई में जब हमने इसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया राउटर रीडिस्ट्रीब्यूट रिप की कमांड से और इस राउट मैप को यूज किया तो अब क्या होगा कि ये राउट हमारे पास जी आरपी में रिडिट्रीब्यूट होकर आर ट्वेल्व के पास रिसीव हो रहा है तो आर ट्वेल्व पे अगर हम शो आई पी राउट टेन डॉट ट्वेंटी टू डॉट ट्वेंटी टू डॉट जीरो इस राउट को अगर हम तो हम यहां देख सकते हैं कि ये हमें ई आई जी आर पी के थ्रू रिसीव हो रहा है राउटर आर वन और आर ट्वेल्व के दरमियान ई आई जी आरपी चल रहा है और इसमें राउट टैग की वैल्यू टेन है तो रिप से जब हमने रिडिस्ट्रीब्यूट किया ई आई जी आर पी में तो जो टैग की वैल्यू है वो साथ में कैरी हुई है तो अब हम PC12 से PC22 को पिंग कर सकते हैं तो ये PC12 से हम PC22 को पिंग करने जा रहे हैं पिंग 10.22.22.100। तो हम ये हमारे पास रिस्पॉन्स मैसेज आ रहा है हमारे पास ICMP का रिस्पॉन्स मैसेज ये सक्सेसफुल है हम पिंग कर पा रहे हैं इसी तरह PC22 से हम PC12 को पिंग कर सकते हैं तो ये PC22 से हम PC12 को पिंग करने जा रहे हैं पिंग ट्वेल्व डॉट ट्वेल्व डॉट वन हंड्रेड तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है राउटर R1, R13 के साथ IBGP चल रहा है जबकि राउटर R1 और R14 के दरमियान EBGP चल रहा है तो ये दोनों BGP प्रोटोकॉल हैं, एक इंटरनल है दूसरा एक्सटर्नल है इन ई बीजीपी के राउट्स को हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में लेकिन एक्सेस लिस्ट की मदद से हमने मैप और एक्सेस लिस्ट की मदद से हमने इसको इस तरह से यूज किया है कि आई के राउट्स को हम आई में ही सेंड करेंगे और ई के राउट्स को हम ई में ही सेंड करेंगे और दरमियान में दोनों राउटर्स के आर वन और आर टू के दरमियान रिप चल रहा है जिसमें हम इन स्पेसिफिक राउट्स को बेसिकली टैग की वैल्यू से आइडेंटिफाई करेंगे आई के जो राउट्स हैं उन्हें हम फिफ्टीन टैग वैल्यू साइन करेंगे और बीजेपी e के जो राउट हैं उन्हें हम 20 टैग वैल्यू असाइन करेंगे आर टू पे देन हम उस 15 और 20 को मैच करवा के मुतलका मुतलका राउटिंग प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो राउटर आर वन पे टेन डॉट थर्टीन डॉट थर्टीन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर का जो राउट रिसीव हो रहा है और ये आई बीजेपी के थ्रू हो रहा है और टेन डॉट फोर्टीन डॉट फोर्टीन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर का जो राउट रिसीव हो रहा है ये ई बीजीपी के थ्रू रिसीव हो रहा है तो राउटर आर वन पे हम शो आई पी राउट बीजीपी करते हैं तो यहां पे हमारे पास ये टेन डॉट थर्टीन डॉट थर्टीन डॉट जीरो का राउट जो रिसीव हो रहा है ये इसकी जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो टू हंड्रेड है जो कि डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है आई बी जी पी का टेन डॉट फोर्टीन डॉट फोर्टीन डॉट जीरो ये हमारे पास राउट रिसीव हो रहा है जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू ट्वेंटी है और ये हमारे पास डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू है ई ई बी जी पी राउट की अगर हम इन राउट्स को एग्जैक्ट देखें टेन डॉट थर्टीन डॉट थर्टीन डॉट जीरो राउट बेसिकली नॉन वाया बीजीपी और ये इसकी टाइप इंटरनल है इसी तरह अगर हम शो आईपी राउट टेन डॉट फोर्टीन डॉट फोर्टीन डॉट जीरो को देखें तो ये हमारे पास नॉन वाया बीजीपी और इसकी टाइप एक्सटर्नल है तो यूं ये दो राउट्स जो हैं ये हमारे पास रिसीव हो रहे हैं अब इन दोनों राउट्स को जो बीजीपी के थ्रू रिसीव हो रहे हैं इसे हमने रिप में रिडिट्रीब्यूट करना है तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप क्योंकि हमने रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम रिप की कंफिगुरेशन देखेंगे तो यहां पे हम रिडिस्ट्रीब्यूट बीजेपी कर रहे हैं और यहां पे हमने राउट मैप यूज किया है और उस राउट मैप में हमने आ, उसका नाम रखा है आर एम फ्रॉम बीजेपी टू रिप तो इस राउट मैप की हम कंफिग्रेशन देखते हैं श्योर रनिंग कंफिगुरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप राउट मैप का नाम हमने रखा फ्रॉम बीजेपी टू रिप और हम इसकी परमिट की वैल्यूज को देखते हैं अब यहां पे हमने बेसिकली दो सीक्वेंस बनाए हैं एक आईबीजीपी के लिए दूसरा ईबीजीपी के लिए तो पहला सीक्वेंस परमिट टेन हमने बनाया उसमें हमने मैच आईपी एड्रेस थर्टीन को यूज किया और ये थर्टीन बेसिकली इस एक्सेस लिस्ट में हमने इस राउट को परमिट करवाया है टेन डॉट थर्टीन डॉट थर्टीन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर को और उसकी सेट टैग वैल्यू फिफ्टीन सेट कर दी जबकि परमिट ट्वेंटी दूसरा जो सीक्वेंस हमने ट्वेंटी यूज किया उसमें हमने मैच आईपी एड्रेस फोर्टीन को यूज किया जिसमें बेसिकली हमने टेन डॉट फोर्टीन डॉट फोर्टीन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर के राउट को परमिट करवाया है और उसकी सेट टैग वैल्यू हमने ट्वेंटी सेट कर दी है तो अगर हम इन एक्सेस लिस्ट की कंफिगुरेशन देखें शोरनिंग कन्फिगुरेशन पाइपलाइन सेक्शन एक्सेस लिस्ट थर्टीन थर्टीन के अंदर हमने टेन डॉट थर्टीन डॉट थर्टीन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर इस राउट को परमिट करवाया है ये हम देख सकते हैं टेन डॉट थर्टीन डॉट थर्टीन डॉट जीरो और जो हमने फोर्टीन लिस्ट बनाई है इसमें हमने टेन डॉट फोर्टीन डॉट फोर्टीन डॉट जीरो राउट है जिसकी हमने टैग वैल्यू फिफ्टीन सेट कर दी और फोर्टीन वाला बेसिकली एक्सेस लिस्ट जो है ये हमारे पास ई बीजीपी वाला राउट है जिसकी हमने टैग वैल्यू ट्वेंटी सेट कर दी अब ये दोनों राउट्स जो हैं ये हो रहे हैं न से राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में आर वन और आर टू के दरमियान ये जो लिंक है इस पर हम इनकी टैग की वैल्यूज को देख सकते हैं तो हमारे पास ये मैसेजेस जो हैं ये कैप्चर हो रहे हैं यहां पे हम आई पी डॉट एस आर सी फिल्टर अप्लाई करते हैं वन सेवेंटी टू डॉट वन सिक्स डॉट जीरो डॉट वन का हमने उन मैसेजेस को देखना है जो राउटर आर वन शेयर कर रहा है तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो इसकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जो राउट्स हैं उनमें हमने ये टेन डॉट थर्टीन डॉट थर्टीन डॉट जीरो के राउट को देखना है आई बीजीपी के थ्रू हमने रिडिट्रीब्यूट किया था रिप में और इसकी टैग वैल्यू हमने 15 सेट की थी तो ये देखें टैग वैल्यू इसकी 15 है इसी तरह अगर हम ये 14 वाले राउट को देखें टेन डॉट फोर्टीन डॉट फोर्टीन डॉट जीरो इसकी अगर हम टैग वैल्यू देखें तो ये हमने 20 सेट की थी तो ये देखें हमारे पास ट्वेंटी सेट है तो यूं ये दोनों राउट्स आई वाला पंद्रह और ई वाला ट्वेंटी टैग के साथ राउटर आल पे रिसीव हो रहा है तो राउटर आल पे अगर हम शो आई पी राउट टेन को देखें तो इसमें हमारे पास जो राउट टैग है उसकी वैल्यू है फिफ्टीन और ये हमें रिप के थ्रू रिसीव हो रहा है इसी तरह अगर हम शो आई पी राउट टेन डॉट फोर्टीन डॉट फोर्टीन डॉट को देखें तो ये हमारे पास रिप के थ्रू रिसीव हो रहा है और उसकी टैग की वैल्यू अगर हम देखें तो वो है ट्वेंटी अब ये दोनों राउट जो हैं इनको हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राउटर आर टू पर हम इनको रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टैग पंद्रह को मैच करवा के हमने आईबीजीपी में आर ट्वेंटी थ्री को भेजना है और टैग ट्वेंटी को मैच करवा के हमने ये आर ट्वेंटी फोर को भेजना है तो अब हम यहां पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर बीजेपी की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्योंकि हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करने हैं ये दोनों राउट्स को बीजेपी प्रोटोकॉल में तो बीजेपी में हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन ही हुई है एक हमारे पास इंटरनल एक एक्सटर्नल तो ये ट्वेंटी थ्री डॉट ट्वेंटी थ्री वाला जो है ये इंटरनल है ट्वेंटी फोर डॉ ट्वेंटी फोर वाला एक्सटर्नल है तो हम यहां पे देख सकते हैं हमने रिप को रिडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और हमने राउट मैप यूज किया है आर एम फ्रॉम रिप टू बीजीपी तो हम इस राउट मैप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं शोरनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप राउट मैप है हमारे पास फ्रॉम रिप टू बीजीपी और हम इसकी परमिट की वैल्यूज को देखते हैं तो यहां पर हमने राउट मैप जो बनाया उसमें हमने दो वैल्यूज यूज की एक हमने सीक्वेंस यूज किया परमिट टेन एक हमने सीक्वेंस यूज किया परमिट ट्वेंटी तो पहले में हमने मैच टैग वैल्यू फिफ्टीन सेट की और दूसरे के लिए हमने जो मैच वैल्यू है वो सेट की ट्वेंटी तो फिफ्टीन और ट्वेंटी ये दोनों राउट्स मैच होंगे और बीजेपी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आईबीजीपी और ईबीजीपी दोनों राउट्स जो दोनों प्रोटोकॉल में ये फिफ्टीन टैग वाला भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ट्वेंटी वाला भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि हमने ये रीडिस्ट्रीब्यूट रिप में ये राउट मैप यूज किया लेकिन देन हमने एक राउट मैप और यूज किया जो हमने आईबीजीपी के पेयर पर पे यूज किया और एक हमने ईबीजीपी के पेयर पर पे यूज किया तो जो आईबीजीपी के पेयर पर पे हमने राउट मैप यूज किया अगर हम उसकी कन्फिग्रेशन देखें श्योर रनिंग कन्फिगुरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप ये राउट मैप हमारे पास है फ्रॉम रिप टू आईबीजीपी और हम इसकी परमिट की वैल्यूज देखते हैं तो ये बेसिकली हमने आईबीजीपी में एक और राउट मैप लगा के उसमें हमने सिर्फ IBGP के राउट को मैप कराया हमने मैच आई पी एड्रेस किया और इस 13 के हमारे पास टेन डॉट थर्टीन डॉट थर्टीन डॉट जीरो का राउट होगा तो हमने आई के साथ जस्ट मैच करवाया टेन डॉट थर्टीन डॉट थर्टीन डॉट जीरो को लेकिन हमने ऊपर इसमें जो रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसमें हमने दोनों पंद्रह और बीस दोनों को रिडिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन इस अलग से जो हमने राउट मैप यूज किया है इसमें जस्ट ऑज तो जस्ट ये टेन डॉट थर्टीन डॉट थर्टीन डॉट जीरो राउट जो है वही आई की तरफ जाएगा इसी तरह ई बीजीपी को अगर हम देखें तो उसके ऊपर हमने एक और राउट मैप यूज किया शो रनिंग पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप राउट मैप हमने यूज किया फ्रॉम रिप टू ईपी हम इसकी परमिट की वैल्यूज देखते हैं और यहां पे हमने एक्सेस लिस्ट मैच कराई होगी 14 तो जो 14 वाला राउट है वो हमने जस्ट मैच आईपी एड्रेस 14 और अगर हम इस एक्सेस लिस्ट को देखें 14 को तो इसमें हमने राउट मैच परमिट करवाया होगा टेन डॉट फोर्टीन डॉट फोर्टीन डॉट जीरो टेन डॉट फोर्टीन डॉट फोर्टीन डॉट जीरो तो टेन डॉट फोर्टीन डॉट फोर्टीन डॉट जीरो को हमने रिडिट्रीब्यूट किया ई बीजीपी में और थर्टीन डॉट थर्टीन डॉट जीरो को हमने रिडिट्रीब्यूट किया आई बीजीपी में लेकिन हमने रिडिट्रीब्यूट जब रिप किया तो उसमें हमने दोनों टैग की वैल्यूज को यूज किया तो यू राउट रिडिट्रीब्यूट रिप की कमांड से 15 और 20 टैग वाले दोनों राउट्स जो हैं वो बीजीपी प्रोटोकॉल में रिडिट्रीब्यूट होंगे लेकिन फर्दर फिर हमने उसके नेबर में जो आईबीजीपी वाला नेबर था उसके ऊपर हमने राउट मैप लगा के सिर्फ और सिर्फ टेन डॉट थर्टी डॉट थर्टी डॉट जीरो के राउट को भेजा और ईबीजीपी वाले राउट के ऊपर हमने टेन डॉट फोर्टीन डॉट फोर्टीन डॉट जीरो स्लेश को भेजा तो यूं अब ये उट मुत मुतल राउटर्स रिसीव हो रहे होंगे तो राउटर आर ट्वेंटी है अगर हम शो आई पी रोटी करें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये राउट जो है वीजीपी प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो रहा है और यहां पे हम एक और चीज वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कोई टैग की वैल्यू यहां पे शो नहीं हो रही इसका मतलब ये हुआ कि रिप से जब हमने बीजेपी में, में रिडिस्ट्रीब्यूट किया तो टैग की वैल्यू जो है वो कैरी नहीं होती तो यहाँ पे R23 पे अगर हम शो आई पी राउट करें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 10.14 वाला कोई राउट रिसीव नहीं हो रहा क्योंकि हमने राउट मैप यूज करके सिर्फ और सिर्फ 10.13.30.0/24 को ही बीजेपी प्रोटोकॉल में जो है वो राउट मैप के थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूट किया है इसी तरह R24 पे अगर हम देखें शो आई पी राउट टेन डॉट फोर्टीन डॉट फोर्टीन डॉट जीरो तो ये राउट हमारे पास रिसीव हो रहा है और ये इस BGP प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो रहा है टाइप एक्सटर्नल है और इसमें भी हम देख सकते हैं कि राउट मैप जो है उसकी वैल्यू शो नहीं हो रही इट मीन्स के रिप से जब हमने BGP में रिडिस्ट्रीब्यूट किया तो टैग की वैल्यू कैरी नहीं होती लेकिन हमारा मकसद पूरा हो गया है R2 के ऊपर उस टैग की वैल्यू को मैच करके हमने मुतलका जो राउट्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ पे हम हाँ, अब हम शो आई पी राउट करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टेन डॉट फोर्टीन डॉट फोर्टीन डॉट जीरो वाला राउट रिसीव हो रहा है टेन डॉट थर्टीन डॉट थर्टीन डॉट जीरो वाला राउट रिसीव नहीं हो रहा क्योंकि उसे हमने राउट मैप अलग से उस नेबर पे लगा के हमने राउट मैप की मदद से हमने उसे रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो यू अब पी सी थर्टीन जो है पी सी ट्वेंटी थ्री को पिंग कर पाएगा पी सी फोर्टीन जो है पी सी ट्वेंटी फोर को पिंग कर पाएगा पीसी तो थर्टीन से हम पीसी ट्वेंटी को पिंग करते हैं 10.23.23.100 तो ये हमारे पास जो रेस्पॉन्स है ये सक्सेसफुल है इसी तरह पीसी ट्वेंटी से अगर हम पीसी थर्टीन को पिंग करें तो ये हमारे पास जो रेस्पॉन्स है वो सक्सेसफुल है सी फोर्टीन से हम पीसी ट्वेंटी को पिंग कर सकते हैं तो हम यहां पे पिंग करते हैं 10.24.24.100 जो कि पीसी ट्वेंटी का आईपी एड्रेस है तो अब हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास आईसीएम पी रिस्पॉन्स मैसेज रिसीव हो रहा है हमारे पास ये रिस्पॉन्स जो है वो सक्सेसफुल है पी सी से हम पीसी फोर्टीन को पिंग कर सकते हैं 10.14.14.100 तो ये हमारे पास रेस्पॉन्स जो है वो सक्सेसफुल है हमने PC सी थर्टीन टू पी ट्वेंटी और 23 से 13 इसी तरह 14 से 24 और 24 से 14 इनके दरमियान रिस्पांस पिंग करके देख लिया लेकिन अभी तक हमने एक चीज जो नहीं देखी वो ये राउट्स टेन डॉट ट्वेंटी थ्री डॉट ट्वेंटी थ्री डॉट जीरो और टेन डॉट ट्वेंटी फोर डॉट ट्वेंटी फोर डॉट जीरो राउट्स भी हमें आर टू पर रिसीव हो रहे थे आटू से हमने रिप में रिडिट्रीब्यूट किया रिप से हमने वो टैग मुतल का जो टैग थी उसको मैच करवा के हमने इसको आई और ई बी जी में रिडिट्रीब्यूट किया तो अगर हम ये ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर ये राउट्स को अगर हम राउटर आर टू शो आईपी राउट बीजेपी तो ये दोनों राउट्स हमारे पास रिसीव हो रहे हैं एक की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 200 है जो आईबीजीपी है एक की 20 है जो कि ईबीजीपी है अब यहां पे हमने इसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया रिप में तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप तो रिप में जब हमने रिडिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने रिडिस्ट्रीब्यूट बीजीपी यूज किया और हमने राउट मैप यूज किया आर एम फ्रॉम बीजीपी टू रिप तो इस राउट मैप की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप आर एम फ्रॉम बी जी पी टू रिप और हम इसकी परमिट की वैल्यूज को देखते हैं तो यहाँ पे भी हमने दो जो सीक्वेंस है वो यूज़ किए होंगे एक में आई बीजीपी जिसकी टैग वैल्यू हमने जो है वो फिफ्टी ने साइन की तो हम देख सकते हैं कि हमने परमिट टेन किया जिसमें हमने आई पी ड्रेस मैच करवाया ट्वेंटी थ्री और टैग वैल्यू फिफ्टीन सेट की देन हमने परमिट किया ट्वेंटी जिसमें हमने आई पी ड्रेस मैच किया ट्वेंटी फोर और उसकी टैग वैल्यू ट्वेंटी सेट की अब ये ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर लिस्ट को अगर हम देखें कन्फिग्रेशन पाइपलाइन सेक्शन एक्सेस लिस्ट ट्वेंटी थ्री तो इस 23 access list में हमने .23 .23 जो route है उसे परमिट करवाया है ये देखें 10.23.23.0 इसी तरह अगर हम 24 वाले को देखें तो 24 वाले जो एक्सेस लिस्ट है उसे हमने उसमें हमने 10.24.24.0 जो राउट है उसे परमिट करवाया होगा तो ये देखें तो यूं हमने आई वाले राउट की टैग वैल्यू 15 सेट की ईबीजीपी वाले राउट की टैग वैल्यू 20 सेट की R2 से जब ये R1 पे रिसीव हुए तो हम ये जो इसके दरमियान लिंक है उसके ऊपर हम इसको पैकेट कैप्चर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं तो हमारे पास पैकेट कैप्चर हो रहे हैं यहां पे हम IP डॉट सोर्स लगाते हैं 172.16.0.2 हम R2 जो मैसेजेस भेज रहा है उन्हें देखना चाह रहे हैं इस पर अगर हम क्लिक करें तो इसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन में देखें तो ये 10.23.23.0 इस राउट को हमने देखना है तो इसकी हमने राउट टैग जो है वो 15 सेट की इसी तरह 10.24.24.0 वाले ट्वेंटी राउट को अगर हम देखें तो इसमें हमने राउट टैग जो है वो ट्वेंटी सेट किया है ये राउट route, दोनों राउट जो है आर पे हमें रिसीव हो रहे हैं तो राउटर आर पे अगर हम शो आई राउट टेन डॉट ट्वेंटी थ्री डॉट ट्वेंटी थ्री डॉट जीरो को देखें तो ये हमारे पास रिप के थ्रू रिसीव हो रहा है और उसकी टैग की वैल्यू है फिफ्टीन इसी तरह शो आई पी राउट टेन डॉट ट्वेंटी फोर डॉट ट्वेंटी फोर डॉट जीरो को अगर हम देखें तो ये हमें रिप के थ्रू रिसीव हो रहा है और उसकी टैग की वैल्यू है ट्वेंटी ऊपर वाले टैग की वैल्यू थी फिफ्टीन इसकी है ट्वेंटी अब हम इन दोनों राउट्स को हमने रिडिस्ट्रीब्यूट करना है बीजेपी में राउटर आर वन पे तो शो रनिंग कन्फिगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर बीजेपी की हम कन्फिग्रेशन देखते हैं क्योंकि हमने बीजेपी में रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहां पे हमने रिडिस्ट्रीब्यूट रिप किया और इसमें हमने राउट मैप यूज किया RM from rip to BGP. इस राउट मैप की हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं शोरनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप जो कि आर एम फ्रॉम रिप टू बीजेपी और हम इसकी परमिट की वैल्यूज को देखते हैं तो यहां हमने दो सीक्वेंस यूज किए परमिट टेन किया जिसमें हमने ट्वेंटी थ्री एक्सेस लिस्ट को मैच करवाया और उसकी जो मैच करवाया हमने टैग वैल्यू फिफ्टीन को इसी तरह हमने ट्वेंटी फोर एक्सेस लिस्ट को मैच करवाया और हमने उसकी टैग वैल्यू मैच करवाई ट्वेंटी तो अगर हम इस एक्सेस लिस्ट को देखें शो रनिंग कन्फिग्रेशन पाइपलाइन सेक्शन एक्सेस लिस्ट ट्वेंटी थ्री तो 23 के अंदर हमने एक्सेस लिस्ट में टेन डॉट ट्वेंटी थ्री डॉट ट्वेंटी थ्री डॉट जीरो स्लेश ट्वेंटी फोर का जो राउट है उसे हमने यहाँ पे परमिट करवाया होगा तो ये हमने टेन डॉट ट्वेंटी थ्री डॉट ट्वेंटी थ्री डॉट जीरो के राउट को परमिट करवाया इसी तरह ट्वेंटी फोर एक्सेस लिस्ट को अगर हम देखें तो उसमें हमने टेन डॉट ट्वेंटी फोर डॉट ट्वेंटी फोर डॉ जीरो जो राउट है उसे परमिट करवाया होगा तो ये हमने उसे परमिट करवाया तो यूं हमने इस राउट मैप में आर एम फ्रॉम रिप टू बीजीपी में हमने दो सीक्वेंस यूज किए एक में हमने आईपी एड्रेस जो है ये मैच करवाया और उसकी मैच करवाई हमने वैल्यू पंद्रह टैग वैल्यू दूसरे में हमने ये ट्वेंटी फोर लिस्ट वाला राउट मैच करवाया और उसकी मैच करवाई टैग वैल्यू ट्वेंटी और हमने इसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन ये दोनों राउट्स जो हैं टैग वैल्यू फिफ्टीन और ट्वेंटी वाले ये बीजेपी में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो ये आर थर्टीन और आर्ट फोर्टीन के पास दोनों पहुंच जाएंगे तो फर्दर फिर हमने आर थर्टीन वाला जो पेयर था उसके साथ हमने एक और राउट मैप यूज किया रिप टू आईबीजीपी और ईबीजीपी वाले राउटर के साथ हमने एक और राउट मैप यूज किया रिप टू ईबीजीपी इन राउट्स मैप की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप ये हमारे पास आईबीजीपी वाला और हम इसकी परमिट की वैल्यूज़ देखते हैं तो आईबीजीपी वाले के अंदर हमने बेसिकली आईबीजीपी वाला जो हमारा राउट था उसे हमने मैच करवाया एक्सेस ट्वेंटी को तो 23 थ्री एक्सेस लिस्ट को हम देख चुके हैं उसमें हमने टेन डॉट ट्वेंटी थ्री डॉ ट्वेंटी थ्री को मैच करवाया था तो ये राउट जो है ये आई बीजीपी के तरफ सेंड होगा इसी तरह अगर हम ई बी जी पी वाले को देखें जो हमने ई बी जी पी के ऊपर अलग से एक राउट मैप लगाया तो उसमें हमने एक्सेस लिस्ट ट्वेंटी फोर को मैच करवाया तो एक्सेस लिस्ट ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर के अंदर हमने टेन डॉट ट्वेंटी फोर डॉट ट्वेंटी फोर डॉट जीरो ये राउट जो है ये मैच करवाया तो वो आर ट्वेंट के पास पहुंच जाएगा तो यूं हम आर थर्टीन पर अगर हम देखें शो आई पी राउट टेन डॉट 23.23.0 तो ये राउट हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है बीजीपी के थ्रू और इस पर हमें वो 10.24 वाला राउट रिसीव नहीं हो रहा सिर्फ एक ही राउट रिसीव हो रहा है बीजीपी के थ्रू 10.23.23.0 राउटर R4 पे अगर हम शो आईपी राउट करें 10.24.24.0 तो यहां पे हमें ये रिसीव हो रहा है बीजीपी के थ्रू और शो आईपी राउट अगर हम करें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमें सिर्फ यही राउट रिसीव हो रहा है टेन डॉट ट्वेंटी थ्री वाला राउट यहां पे रिसीव नहीं हो रहा पीसी थर्टीन टू ट्वेंटी थ्री पीसी फोर्टीन टू ट्वेंटी फोर और रिवर्स में हम पिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं राउटर R1 और R15 के दरमियान आई चल रहा है तो ये राउट टेन डॉट फिफ्टीन डॉट फिफ्टीन डॉट जीरो का राउट R1 पे आई के थ्रू रिसीव हो रहा है राउटर R1 पे अगर हम शो आई पी राउट आई करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये टेन डॉट फिफ्टीन डॉट फिफ्टीन डॉट जीरो वाला राउट जो है ये एस आई के थ्रू रिसीव हो रहा है अब हमने इस आई के थ्रू रिसीव होने वाले राउट को हमने रिप में रिडिट्रीब्यूट करना है तो हम शो रनिंग कन्फिगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप की कन्फिगरेशन देख रहे हैं क्योंकि हमने इसे रिप में रिडिट्रीब्यूट करना है रिप तो में हमने आई एस आई एस को रिडिस्ट्रीब्यूट किया रिडिस्ट्रीब्यूट आई एस आई एस और हमने टू का राउट था तो हमने टू के राउट को redistribute किया मेट्रिक वैल्यू टू यूज की और राउट मैप हमने यूज किया आर एम फ्रॉम आई एस आई एस टू रिप अब अगर हम इस map की कॉन्फ़िगरेशन देखें शो रनिंग pipeline पाइपलाइन सेक्शन map जो कि है फ्रॉम आई एस आई एस टू रिप और हम इसकी परमिट की वैल्यूज इसको देखते हैं तो यहां हम देख सकते हैं कि हमने आईपी एड्रेस मैच करवाया 15 यानी कि हमने एक्सेस लिस्ट 15 मैच करवाई और इसके टैग की वैल्यू को हमने 25 सेट कर दिया तो ये हम एक्सेस लिस्ट को देखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन एक्सेस लिस्ट हम देखना चाह रहे हैं 15 को तो 15 एक्सेस लिस्ट को देखें तो इसमें हमने ये राउट मैच करवाया होगा टेन डॉट फिफ्टीन डॉट फिफ्टीन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर तो ये हमने टेन डॉट फिफ्टीन डॉट फिफ्टीन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर को मैच करवाया और ये हमारे पास साथ जो है ये इसकी बेसिकली वाइल्ड कार्ड मास्क है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने इस राउट को टैग असाइन कर दिया सेट टैग 25 फाइव असाइन कर दिया और 25 के साथ हमने इसको रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब यह हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में 25 टैग वैल्यू के साथ जो है राउटर R1 वन इसे आर को सेंड कर रहा होगा जिसे हम इस, इसके दरमियान ये जो लिंक है इस पर वेरीफाई कर सकते हैं तो हमारे पास पैकेट कैप्चर हो रहे हैं यहां पे हम सोर्स अप्लाई करते हैं आई और हम 172.16.0.1 हम राउटर R1 जो मैसेजेस शेयर कर रहा है हम उसे देखना चाह रहे हैं और इसमें अगर हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की डिटेल देखें तो इसमें ये जो 10.15.15.0 वाला राउट है इसकी हम देख सकते हैं राउट टैग की वैल्यू 25 है ये राउट जो है ये आर के पास भी ट्वेंटी टैग वैल्यू के साथ रिसीव हो रहे होंगे तो राउटर आर पे शो आई राउट टेन डॉट फिफ्टीन डॉट फिफ्टीन डॉट जीरो को अगर हम देखें तो हमारे पास ये नॉन वाया रिप है और इसमें हमारे पास जो इसकी राउट टैग है उसकी वैल्यू है ट्वेंटी फाइव अब राउटर आर टू पर हम इसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे आई एस आई एस में तो हम शो रनिंगशन राउटर आई एस आई एस को अगर हम यहां पे इसकी कन्फिगरेशन देखें क्योंकि हम इसे रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आई एस आई एस में तो आई एस आई एस में हमने इसे रिडिस्ट्रीब्यूट रिप को किया और हमने मैप यूज किया आर एम फ्रॉम रिप टू आई एस आई एस अब अगर हम इस मैप की डिटेल देखें शोरानिकल कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप आर एम फ्रॉम रिप टू तो आई एस आई एस और हम इसकी परमिट की सेटिंग्स देखना चाह रहे हैं तो यहां पर हमने मैच टैग ट्वेंटी फाइव किया तो टैग वैल्यू ट्वेंटी फाइव को मैच करके हमने उसे रिडिस्ट्रीब्यूट करा दिया आई एस आई एस में तो अब आई एस आई एस के थ्रू ये आर ट्वेंटी फाइव के पास रिसीव हो रहा होगा तो R25 के पे अगर हम शो आई पी राउट करें तो इसमें हमारे पास ये 10.15.15.0/24 का राउट जो है ये हमारे पास रिसीव हो रहा है इसे अगर हम एक्सैक्ट देखें शो शो आई पी राउट 10.15.15.0 तो ये हमारे पास ये राउट जो है ये नॉन वाया आई एस आई एस है और इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहां पे कोई भी इसमें टैग की वैल्यू मेंशन नहीं है इट मींस के राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल से जब ये रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ आईएसआईएस में तो टैग की वैल्यू जो है वो कैरी नहीं होती इसी तरह ये जो टेन डॉट ट्वेंटी फाइव डॉट ट्वेंटी फाइव डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर का नेटवर्क है ये आईएसआईएस के थ्रू आल्टो पे रिसीव हो रहा है राउटर तो R2 पे अगर हम शो आई पी राउट आई करें तो ये 10.25.25.0 का जो राउट है ये आई के थ्रू रिसीव हो रहा है इस राउट को अब हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कन्फिगरेशन देखते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की क्योंकि हम इस राउट को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में तो शो रनिंग कन्फिगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप की कमांड से हम कन्फिगरेशन देखते हैं तो यहाँ पे हम रिडिट्रीब्यूट कर रहे हैं आई और यहाँ पे हमने राउट मैप यूज किया है आर एम फ्रॉम आई एस आई एस टू रिप अब अगर हम इस रिप की इस राउट मैप की कन्फिग्रेशन देखें शो रनिंग कन्फिगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप जो कि है आर एम फ्रॉम आई एस आई एस टू रिप और हम इसकी परमिट की सेटिंग्स देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें हमने सेट टैग ट्वेंटी फाइव सेट किया होगा तो हमने सेट टैग ट्वेंटी फाइव सेट किया इट मीन्स के जो आई एस आई एस के थ्रू राउट रिसीव हो रहे हैं उसकी टैग की वैल्यू को हमने ट्वेंटी फाइव सेट करके राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में शेयर कर दिया तो अब R2 और R1 के दरमियान ये जो लिंक है इसके ऊपर हम इसकी वैल्यू को कैप्चर करके देख सकते हैं तो हमारे पास पैकेट्स जो हैं वो कैप्चर हो रहे हैं यहाँ पे हम सोर्स अप्लाई करते हैं और हम R2 के मैसेजेस को कैप्चर करना चाह रहे हैं तो वन ये वो मैसेजेज हैं जो आर भेज रहा है इसको अगर हम देखें तो इसमें हमने इस वैल्यू को देखना है टेन इस वैल्यू को अगर हम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि राउट टैग की वैल्यू ट्वेंटी सेट है राउट टेन डॉट ट्वेंटी फाइव डॉट ट्वेंटी फाइव डॉट जीरो आर टू से ये जब रिप में रि हुआ तो आर वन पे भी इसकी टैग की वैल्यू ट्वेंटी फाइव शो हो रही होगी तो आर वन पे अगर हम शो आई पी राउट टेन डॉट ट्वेंटी फाइव डॉट ट्वेंटी फाइव डॉट जीरो करें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो रहा है और टैग की वैल्यू ट्वेंटी फाइव है अब राउटर R1 पे हमने इस टैग की वैल्यू को मैच करवा के इसे ISIS -IS में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना है तो हम शो रनिंग कन्फिगुरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर ISIS की कंफिगुरेशन देखेंगे क्योंकि हम इसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ISIS -IS में तो यहां पे हमने रीडिस्ट्रीब्यूट रिप किया और हमने यहां पे पर मैप यूज किया फ्रॉम रिप टू आई तो अगर हम इस मैप की कन्फिगुरेशन देखें शो रनिंग कन्फिगुरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटमैप आर एम फ्रॉम रिप टू आई और हम इसकी परमिट की सेटिंग देखें तो यहां पे हमने मैच आईपी एड्रेस 25 ये एक्सेस लिस्ट 25 मैच करवाई और हमने मैच टैग 25 भी मैच करवाया तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन अगर हम एक्सेस लिस्ट 25 को देखें तो इस 25 में हमने आईपी एड्रेस या परफिक्स हमने मैच करवाई है टेन डॉट ट्वेंटी और हमने इसको मैच करवाया इस राउट मैप में और राउट मैप में हमने इसकी टैग वैल्यू ट्वेंटी भी मैच करवाई तो इस तरह ये ट्वेंटी टैग वाले और जिसका राउट जिस एक्सेस लिस्ट में जिसका ये राउट है टेन डॉट ट्वेंटी फाइव डॉट ट्वेंटी फाइव डॉट जीरो ये मैच होंगे दोनों और ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आई एस आई एस में राउटर आर फिफ्टीन पे हम शो आई पी राउट अगर करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टेन डॉट ट्वेंटी फाइव डॉट ट्वेंटी फाइव डॉट जीरो वाली एंट्री हमारे पास रिसीव हो रही है इस राउट को अगर हम एग्जैक्ट देखें शो आई पी राउट टेन डॉट ट्वेंटी फाइव डॉट ट्वेंटी फाइव डॉट जीरो तो हम देख सकते हैं कि ये नॉन वाई आई एस आई एस है तो यूं अब हम पीसी 15 से पीसी 25 को पिंग कर सकते हैं तो पी सी से हम 25 जो पी है उसे हम पिंग कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुल है इसी तरह पी सी से हम पीसी 15 को पिंग कर सकते हैं पिंग टेन डॉट फिफ्टीन डॉट फिफ्टीन डॉट वन हंड्रेड हम पी से पी को सक्सेसफुली पिंग कर पा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चीज इस लैब के रिलेटेड और वो ये है कि यहां पे आपको अगर आप टाइम्स को कंपेयर कर रहे हैं तो ये टाइम्स काफी ज्यादा शो हो रहे हैं तो उसकी रीजन ये है कि ये लैब जो है ये हम एक ऐसे सर्वर पे परफॉर्म कर रहे हैं जिसपे हमारे पास प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी कम है जिसकी वजह से प्रोसेसिंग जो है उसकी स्पीड कम होने की वजह से हमारे पास जो है वो ये लैब जो है ये स्लो परफॉर्म हो रही है जिसकी वजह से ये जो रिस्पॉन्स टाइम है वो हमारे पास ज्यादा शो हो रहा है तो इस तरह राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हमने राउट टैग का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने डिफरेंट राउट्स को जो है वो टैग अप्लाई किया और देन हमने उस टैग को मैच करवा के हमने उसे डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो हम राउट टैग जो है उसे किसी भी राउट को कोई टैग असाइन कर सकते हैं और हम उसे मैच करवा के किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में हम उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हम ओ से जो है वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जब टैग को सेट करेंगे तो दूसरे राउटर पे हम उसको मैच करवा के ज़रूरी नहीं है कि हमने ओ में ही उसे रिडिस्ट्रीब्यूट करना है हम किसी भी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ये हमारे लैब की टोपोलॉजी पे डिपेंड करता है कि हम लैब में क्या करवाना चाह रहे हैं या हम रियल इन्वायरमेंट में जो हमारी टोपोलॉजी है उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं तो हम उसके मुताबिक राउट के टैग की वैल्यू को सेट और मैच करवा के हम अपना जो काम है वो कर सकते हैं